और एक एक वोट बीएसपी के लोग हाथी को दे रहे हैं, सभी लोग अन्य समाज भी दे रही है। बरसों से परेशानी देख रहे हैं, इसलिए परेशानी का सामना कर रहे हैं। संकट बिल्कुल दूर होने वाला है, वोट एकदम हाथी में आ गया। ऐसी खुल रही वोट और पार्टियों को लग रही चोट, इसलिए वो वोट पर्चाओं पे अपने पर्चा चिपका रहे हैं। उनको ये घबराहट मचने लगी कि ऐसा ना हो हाथी जीत जाए। हाथी मनों का भारी है और हाथी को हराने वाला कोई नहीं है, और बिल्कुल बम्पर सीट निकल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देव न्यूज। मौजूद है झांसी वार्ड नंबर 9 असारी टपरियन टोरिया सारंग नगर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पार्षद प्रत्याशी श्रीमती ज्योति आशीष राय आज फिर ताबड़तोड़ जनसंपर्क वार्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं। सारंग नगर में मौजूद है, देख सकते हो कितनी महिला है जन समूह लेकर चल रही है। ज्योति जी तुम तो हट जाओ, मोड़ी मोड़ा ज्योति जी, भाभी छुपा लो। अच्छा लग रहा है मुझे, मेरे साथ सभी महिलाएं हैं, मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही हैं और मैं इसीलिए सबके साथ में हूँ। क्या लगता है मोहल्ले वाले चल रहे हैं, मोहल्ले वाले कितना आशीर्वाद दे रहे हैं? मोहल्ले वाले बहुत अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं कि बेटा आप फ्री रहो, मैं सब कुछ करूँगा सबके लिए, हम आपको सपोर्ट करेंगे सब। कितना भरोसा है आपको? हाँ, बहुत बहुत भरोसा है। कितना भरोसा है? बहुत ही भरोसा है मुझे, भरोसा है। हाँ आशीष जी का क्या कमा बताओ, जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा समर्थन, बहुत अच्छा साथ मिल रहा है। और विपक्षी लोग हमारे पोस्टर लगा रहे हैं, बड़े हताहत होकर निराश होकर वो अपनी हार सुनिश्चित करके हम लोग पोस्टर लगा रहे हैं। क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी का परचम कैसे ले रहा हो? बहुत अच्छा ले रहेगा, बहुत जबरदस्त ले रहेगा। क्या कहना है आप साथ घूम रहे हो? मैं जनता से यही कहूँगा, मेरे ऊपर एक बार विश्वास करके देखे, मेरे ऊपर विश्वास करके देखे, और जो रोड नाली जो भी और समस्या है पार्षद बनने के बाद जल्दी जल्दी काम कराऊंगा। नेताजी क्या लग रहा हो, रीढ़ की हड्डी हुआ भसारी के बहुजन समाज पार्टी के? श्रीमान जी से मेरा निवेदन है कि बहुजन समाज पार्टी का बच्चा बच्चा बीएसपी की टीम का, जय भीम, और बीएसपी की टीम का है। और एक एक वोट बीएसपी के लोग हाथी को दे रहे हैं, सभी लोग अन्य समाज भी दे रही है। बरसों से परेशानी देख रहे हैं, इसलिए परेशानी का सामना कर रहे हैं। संकट बिल्कुल दूर होने वाला है, वोट एकदम हाथी में आ गया। ऐसी खुल रही वोट और पार्टियों को लग रही चोट, इसलिए वो वोट पर्चाओं पे अपने पर्चा चिपका रहे हैं। उनको ये घबराहट मचने लगी कि ऐसा ना हो हाथी जीत जाए। हाथी मनों का भारी है और हाथी को हराने वाला कोई नहीं है, और बिल्कुल बम्पर सीट निकल रही है। विश्वास है तुम्हें? विश्वास है, और सारे वोट हरजन कॉलोनी के एकदम पलट गए हैं। कितने ही धराशाही कुंदी जाओ, कितने पैसा खर्च कर लें, हर जगह के बिल्कुल वार्ड नंबर 9 की सीट निकल के दिखाएंगे। आशीष के बारे में कैसे व्यक्ति? जीत रहा है और बड़ी आदमी है, समाज का नारे का नहीं, विश्वास व्यक्ति है, पूर्ण विश्वास है। और अच्छा, गरीब लोगों को जीतने चाहिए। क्या आशीष, जनता से मेरा साथ दीजिए, एक बार मौका दीजिए। गुंडों का साथ पार्षद बनने के बाद जो कार्य है, काम है, रोड नाली जो भी समस्या है, हम हल कराएंगे। इतना ही विश्वास, हाँ विश्वास दिलाते हैं। न्याय की बात नहीं है, न्याय काम कर रहे हैं, अपना अपना चुनाव। भाई साहब भरोसा है? भरोसा है भाई साहब, जीतेंगे बिल्कुल। तुम कछु बोलो, आप छोड़ो, हमें जो भरोसा है ज्योति भाभी के ऊपर के हम वो जीत जाएंगी, तो हमारी गली गली में नल लगवा देंगे। अभी तक नल की पाइपलाइन नहीं आई, हाउटेस की रसीद नहीं मिली। ज्योति भाभी से हमने बोला है कि ज्योति भाभी हम पूरी तन मन धन नहीं दे पाएंगे, तन मन से हम तुम्हारी सब लोग सेवा करेंगे, सहायता करेंगे, लेकिन आपका अभी जो भी निवेदन है कि हमारी नल आ जाए, हमारे जय हम कहना तो अच्छी बात है, पानी की व्यवस्था हो जाए। हाउ टैक्स बच्चों का हाउ टैक्स नहीं बने किसी के भी। हमारा ये है कि आशीष और ज्योति पहले से बहुत अच्छे आदमी है, अभी वो जो बोलेंगे वो करेंगे, नल भी लगवा देंगे, बिजली का करा, हाउ टैक्स भी करा देंगे। पहले से अच्छे बिहारू आदमी है वो, तो ज्योति और आशीष
और अभी भी वो जो जीत जाएंगे तो सब कराएंगे, हमें विश्वास, हमें तो भरोसा है। ज्योति आशीष पहले से वो अच्छी सपोर्ट करते थे हम लोगों ने। अच्छा, पहले करते थे? हाँ, पहले भी करते थे सपोर्ट। अच्छा? हाँ, इनके बाप दादाओं को मेहमरी के पद रहे हैं और थाने चार कुर्सी डाला थे, बहुत पुराना जमींदारी शासन टाइम से निभा के चले। जे लोग जो और लोग दे रहे सर पट्टा, जो कर देंगे गरीबों का दांत खट्टा, जबरन करेंगे अपना पट्टा, जुआ भी खिलवाएंगे। जो और लोग चोर चक्के फिर रहे हैं ऐसे लोगों को महोदय से करवत प्रार्थना हम तो के बिल्कुल नीति अनिति ना हो। ऐसा प्रत्याशी चाहिए कि हमारी जनता सुखी रहे और प्रत्याशी सुखी रहे। हाँ, मौका कब है बहन जी, बताओ संग में। पानी की सुविधा हो जाए, पानी की बहुत परेशानी है हमारे इधर। ज्योति दीदी जी, पानी की सुविधा हो जाए, हाउ टैक्स बन जाए सर, भरोसा है। 35 साल में अभी तक सब पार्षद बने, सब नेता बने, काउने भी नहीं करवा पाया। क्या राशि बताओ तुम? इतना भरोसा दिलाऊंगा कि हाउ टैक्स करवा के रहेंगे हम लोग। भरोसा दीजिए जनता। हाँ, जीतने के बाद पक्का है कि हाउ टैक्स कराएंगे। जीतने के बाद हमें वादा करते हैं कि हाउ टैक्स पहले कराएंगे। बहुजन समाज पार्टी पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 9 सारंदा नगर में मौजूद थे ये ज्योति आशीष राय का जनसैलाब, ये काफिला था। क्या कहा क्या नहीं कहा आपके सामने छुपा नहीं है। अब देखने वाली बात है कि इन जनताओं का वोट क्या ज्योति आशीष राय पर पड़ पाएगा, कौन पार्षद बनता है, जनता जनार्दन है, किसको सभासद की कुर्सी पर बैठाने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।